प्रदेश में सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन किसानों पर उत्पीड़न कम नहीं हो रहे हैं। बुलंदशहर में किसान पर तहसील के हुक्मरानों की ओर से ज्यादती करने पर गुस्साए किसानों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। आरोप है कि किसान ने तहसील में खतौली की नकल निकालने के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत नहीं दी। किसान की शिकायत सुनने के बाद न्याय दिलाने के बजाय तहसील के हुक्मरानों ने किसान को उठक बैठक की सजा दिला ली। जब किसानों ने इस सजा मानने से इनकार कर दिया तो किसान को पुलिस बुलाकर शांति भंग होने की आशंका में थाना बैठा दिया गया। किसान को कुछ घंटे बाद ही जमानत दे दी गई। इस घटना के बाद किसानों में नाराजगी है। आपस में सगे भाई थे और सीनियर सिटीजन थे, 60 वर्ष के लगभग उनकी आयु थी, 61 वर्ष, 59 वर्ष। वो यहाँ अपनी खतौनी लेने के लिए आए और खतौनी में उनसे ये पूछा गया कि भाई, उन्होंने पूछा भाई 100 रुपए किस बात के ले रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट लोग हैं, हमें सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती है, इसलिए हम जो फालतू पैसे लेते हैं। कल खतौनी लेने के समय इनका कहना था दंड बैठक ना लगाने पर एसडीएम साहब ने जेल 151 की कार्रवाई की थी। नहीं, कार्रवाई तो देखी जा रहा था, खतौनी लेने पे विवाद।